Hey, what's up everybody? Welcome to Strength Hacks. तो आज जो है ये हमारे स्ट्रेचिंग की सेकंड वीडियो होने वाली है. इसमें जो है हम अपने लोअर बॉडी को स्ट्रेच करने वाले हैं. स्ट्रेचिंग से हमारा जो मसल्स है उसका जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिलीज होता है और हमारा मसल्स है काफ़ी रिलैक्स होता है. अगर आप रेगुलर स्ट्रेच करते हैं तो आपके शरीर में जो है अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, आपका बॉडी स्टिफ नहीं होता है, और अगर आपके मसल्स में पेन है तो वो पेन भी आपका रिलीज होता है. चलिए ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज का हम स्ट्रेचिंग वर्कआउट. और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा सो दैट मेरा जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम करने वाले हैं रनर्स स्ट्रेच. तो ये जो है आप देखेंगे जब भी लोग रनिंग करते हैं तो उन्हें आप जनरली ऐसा करते हुए देखेंगे. तो इसे जो है आपको लेग को थोड़ा ऊपर उठाना है और इसे अपनी ओर पुल करना है. तो आपका जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स है दोनों में आप देखेंगे एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा. रिलैक्स. इस पोजीशन में इसको ट्राई कीजिए होल्ड करने का एटलीस्ट 5 to 10 seconds. नाउ लेफ्ट लेग. नाउ अगेन इसमें ही आपको जो है अगेन इसमें आपको बैक की ओर पैर को लेके जाना है और इसको खींचना है पीछे की ओर. इसको आपको जो है ये इस हैंड से आपको पुल करना है. तो आप देखेंगे जो आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है इस पर एक अच्छा स्ट्रेस महसूस होगा. आपको इसको जो है 5 to 10 seconds होल्ड करना है, देन आपको स्विच करना है आपके लेफ्ट लेग पे. अगेन 5 to 10 seconds होल्ड. आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे. जो आपका नेक्स्ट स्ट्रेच है इसमें आपको इस पोजीशन में खड़ा होना है और इस तरह से आपको आपका पूरा ये जो मसल्स है जो नीचे वाला आपका हैमस्ट्रिंग्स है इसमें पूरा एकदम स्ट्रेच फील होना चाहिए. जो भी मैं आपको स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ ये आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जब भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे 10 मिनट पहले जो है आप इसे कर लें. और खास करके जब आप लेग का वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जो है एकदम मस्ट होता है. जब आप इसे करेंगे तो आपके मसल्स में जो है पेन महसूस नहीं होगा, आपका मसल्स एकदम रिलैक्स रहेगा. नाउ आपको लेग को फ्रंट में रखना है. ओके नाउ फॉर नेक्स्ट स्ट्रेचिंग आपको इस तरह से सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है. उसके बाद आपको जो है हाथ को आगे जाके इसको टच करना और आपको बेंड ओवर होना है. ये जो है आपका एकदम जमीन में सटा रहेगा, इसमें आप इसे रिलैक्स नहीं करेंगे. इस तरह से एकदम ये जमीन में टच होना चाहिए, देन टच दिस. और आपको ये पोजिशन को जो है होल्ड रखना है 15 to 20 seconds. ओके नाउ जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है इसका नाम है बटरफ्लाई स्ट्रेच. तो आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है, अपने हाथ से इसको होल्ड कर लेना है. टू डू दिस नाउ जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है इसमें हम इस पोजीशन में बैठेंगे, अपने लेग्स को इससे टच कराते हुए अपने थाई से. उसके बाद आपको इसे बेंट ओवर करके आपको अगेन इसको टच करना है और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है अगेन 5 to 10 seconds.
और जो भी मैं आपको वर्कआउट बताता हूँ तो मैं टाइम एक्चुअली मैं अगर सबका तीन तीन सेट करके आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। हमारा टाइम कंस्ट्रेंट होता है वीडियो में, तो हम आपको सिर्फ एक सेट करके दिखाते हैं। तो आपको जो है हर एक वर्कआउट का जो है आपको तीन तीन सेट करना है और हर एक सेट में आपको 10 to 15 रिपीटेशंस। अगेन होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। आप जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे ये उतना ज़्यादा जो है आपका मसल्स स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेचिंग है, इसमें जो है आप पोस्चर को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसमें जो है हम एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे, दूसरा ये इस तरह से आएगा और फिर हमारा हाथ इस तरह से जाके फिर हमको बैंड होना है। एक बार फिर से आप इस पोस्चर को देखिए, दोनों लेग स्ट्रेच है। ये वाला हमारा जो है इस जगह पे आएगा और ये जो हमारा एल्बो है ये यहाँ पे जाके और फिर हम इस एल्बो की हेल्प से अपने आप को पुश करेंगे। अगेन दूसरा लेग, ये लेग हमारे इस साइड पे आएगा, ये हमारा जो एल्बो है वो यहाँ, अगेन इसकी हेल्प से पुश। पोजीशन में आपको जो है 5 to 10 सेकेंड्स अपने आप को होल्ड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।